सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम 7 बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है। बहनों, आज खुशखबरी पर खुशखबरी आपको ऑल इंडिया की तरफ से देखने को मिल रही है। आज ही पैसा आप सबके खातों में लगा था और खुशी की बात है कि आज ही वो पैसा सक्सेस भी हो गया। ये बहुत ही जल्दी हो गया और बहुत ही जो कि अच्छी बात है, काफी बहनों को पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में 4500 रुपया भी उनका आज खातों में सक्सेस हो गया, जिसके चलते अब बहनें आप बैंक जाकर के अपना पैसा निकाल सकती हैं। तो बहनों, आपको बता दें कि किन किन जिलों में पैसा सक्सेस हो गया है, जहां से जानकारियां आई हैं, वीडियो को देख लेना ताकि आपके काम की जानकारी हो। और बढ़ते हैं फिर आगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, यानी पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल इंडिया चैनल पर आपको हमेशा सच्ची जानकारियां मिलती रहेंगी। बात करते हैं जुलेखा बहन की, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आती हैं। 4500 रुपया आज इनके वहां पर भी खाते में सक्सेस हो गया है। अब चाहें तो ये हमारी बहन बैंक जाकर के निकाल सकती हैं। साथ ही एक बात और कहना चाहेंगे, कुछ पैसे ऐसे होंगे जो आपके जहां से आप मानदेय चेक करते हैं उमंग ऐप के थ्रू, उसमें अंडर प्रोसेस में दिखा रहे होंगे और कई जो है कई महीनों पहले से दिखा रहे होंगे, यानी कई साल आप कह सकते हैं। तो उसमें लिखा भी होगा, डेट जैसे पड़ी होगी 3 अगस्त 2020, 3 नवंबर 2020 ऐसे पड़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये पैसा टेक्निकल खराबी की वजह से अंडर प्रोसेसिंग में आपका शो करता है, वरना ये पैसे मानदे वाले जो भी होंगे वो सब आपके आ चुके होंगे। और जो है ये पैसा टेक्निकल खराबी की वजह से है, काफी बहनों के वहां पर ऐसे ही दिख रहा है, तो इसकी टेंशन ना लें। हर महीना ऑल इंडिया से अपने आने वाली जानकारियों को देखते रहें और अपना टाइम टू टाइम जो पैसा है हर महीने का, उसको अपना जोड़ती घटाती रहें, यानी अपना जो भी है उसका ध्यान रखें, कहीं एक कागज पर लिख लिया करें, ताकि ऑल इंडिया तो सब कुछ बताता ही रहता है, बहुत सी बहनें नहीं देखती हैं तो उनको दिक्कत हो जाती है। बात करते हैं आगे, कैलाशी बहन है, कुशीनगर से आती हैं और 2250 इनके खाते में देखने को मिला है। शायद ये सहायता बहन हो सकती हैं। उर्मिला बहन है बस्ती जिले से, 4500 रुपया आज इनका भी आ गया है, जिसके बारे में उर्मिला बहन ने जानकारी भेजी है। ऐसे और बहनें हैं, संगीता बहन है ये और जालौन से आती हैं, 4500 रुपया इनके भी आ गए हैं। इनके अलावा एक ये बहन है जो कि शारदा देवी है मैनपुरी से, 4500 मैनपुरी में इनके भी आ गए हैं। ऐसे ही बहन है शशि हरदोई से, तो हरदोई जिले में भी आज 4500 खातों में सक्सेस हो गया है। ऐसे ही मंजू बहन है हापुड़ से, हापुड़ जिले में भी आज 4500 खातों में सक्सेस हो गया है। ऐसे ही एक बहन है रूपाली, मुरादाबाद जिले से है और 4500 रुपया आज मुरादाबाद में भी खातों में सक्सेस हो गया है। ऐसे ही बहन है जयमाला देवी पीलीभीत से और पीलीभीत जिले में भी आज पैसा खातों में सक्सेस हो गया है। तो आज 3 तारीख है और बहनों के खातों में पैसा सक्सेस भी होने लग गया है, 4500 सक्सेस भी हो गया, बाकी अतिरिक्त मानदेय प्लस PLI का वो खातों में लगा है। जितनी जल्दी हो सके वो भी हो जाए, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अब देखो, कल संडे है, हो सकता है कल तो सक्सेस होने से रहा हो, लेकिन मंडे को चांस है, तो आगे जब होगा तब देखा जाएगा, बशर्ते पैसा लग गया है, 4500 सक्सेस हो गया है। इससे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है, जो लगा है वो भी अब सक्सेस ही हो जाएगा। ये बहन है सीमा, सीतापुर जिले से आती हैं और इनका भी 4500 रुपया आज वहां पर सक्सेस हो गया। इसके अलावा अभी और जिलों के मैसेज आपको हम दिखाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि एक ये बहन है मिथिलेश, मुरादाबाद जिले से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक ये मैसेज फॉरवर्ड करके भेजा है, जिसमें लिखा है, जिन कार्यकर्ताओं द्वारा विकास खंड ठाकुर द्वारा सभागार में नहीं जो है लाया गया है, वह कार्यकर्ती कल 10 बजे 3 जून को कार्यालय में लाभार्थी को लाकर के पीनट बटर प्राप्त करें। तो यहां पर भैया पीनट बटर उनके वहां लाभार्थियों को बांटा जा रहा है, जिसके संबंध में कि उन्होंने फोटो ऑल इंडिया को भेजी है, इस पर लिखा हुआ है इजी पोषण EDNF वगैरह करके, और ये खाने की जो है चीज है, आप देख सकते हैं लोगो वगैरह भी सब ये लगा हुआ है। इसके अलावा ले चलते हैं आगे, तो वहां पर भाई पीनट बटर लाभार्थियों को दिया गया। अब जाहिर सी बात है कमजोर लाभार्थी होंगे तो उन्हीं के लिए ये हो सकता है। सहजन के पत्तों को खाने के फायदे के बारे में उन्होंने बताया है,
जिसका भी उन्होंने अपने यहां से एक ये फोटो ऑल इंडिया को भेजा है। तो सहजन के बारे में बताया और साथ ही एक वीडियो भी उन्होंने बना करके भेजा है। वीडियो को टाइम मिलेगा तो सुधांशु पटेल चैनल पर हम प्रसारित कर देंगे। इसके अलावा जो है साहना बहन है कन्नौज से, 4500 रुपया उनके वहां पर भी आया है। ये ज्ञानमाला बहन है जौनपुर से, उन्होंने कुछ लिख करके भेजा है कि भैया जी आज हमारे खाते में 4500 रुपया आ गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा बहनों, आपको बता दें कि शाम का जो वीडियो होता है वो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि इतनी गर्मी में बंद कमरे में पंखा वंखा बंद करके, इसलिए ताकि आपको आवाज क्लियर सुनाई दे, भरभराहट ना आए, इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखते हुए इतनी गर्मी में वो जो है बोलना, वो भी 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी वीडियो हो, जितनी भी खबरें हो उस अकॉर्डिंग, तो काफी मुश्किल भरा रहता है। और ये भी नहीं है कि 2 मिनट बोले फिर रुक गए, जब स्टार्ट करते हैं तो अंत तक हम वीडियो में बोलते हैं, ये नहीं है कि 1 मिनट बनाया फिर काटा पीटा फिर उसमें लगाया जोड़ा, ये सिस्टम नहीं रहता है। शुरू करते हैं तो सीधा खत्म करते हैं, बात करते हैं आगे चलते हैं। वैसे यहां पर उन्होंने कहा है कि पूरा काम करने के जो है बाद भी मानदेय ठीक से नहीं आता है, फरवरी माह का 6500 मात्र, मार्च माह का 7500 मात्र और अप्रैल माह का 6000 इतना आया है। अब देखिए इस बार PLI पूरा आता भी है या नहीं, तो देखो वहां पर उन्होंने कहा है कि भैया PLI नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा है कि सुपरवाइजर का जो है चयन हुआ है, उनका नाम जो है नहीं बता पाएंगे, इस तरह से पता नहीं क्या उन्होंने लिखा है। तो जिनका शायद चयन हुआ है उनका वो पूछना चाहती होंगी अपने वहां जौनपुर में अधिकारियों से, विभाग से, तो इसके बारे में। तो देखो ये आप लोग चाहें तो अपना RTI लगा सकती हैं, मैंने आप लोगों को राह दिखाई है जो कि लीगल प्रोसेस होते हैं, उनका ही आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा मीना देवी हैं संबल से, 4500 रुपया उनके वहां पर भी आज सक्सेस हो गए हैं। साथी ये बहन गीता त्रिपाठी महाराजगंज से, 4500 उनके यहां पर भी आज सक्सेस हो गए हैं, उन्होंने जानकारी भेज दी है। साथ ही साथ ये बहन है सीमा बहराई से और इनके वहां पर भी 4500 आ गए हैं। एक गीता है कन्नौज से, कन्नौज में भी आज 4500 सक्सेस हो गए हैं। ऐसे ही बहन है बीनू दुबे मिर्जापुर से आती हैं, 4500 इनके वहां पर भी आज सक्सेस हो गए हैं। और एक ये बहन है रीना मौर्य गोरखपुर से, 4500 गोरखपुर में भी आज बहनों के खातों में पहुंच गया है। ऐसे ही एक ये बहन है जिनका आप देख सकते हैं नाम है अनीता पांडे, प्रयागराज से हैं, 4500 रुपया आज 3 तारीख को उनके वहां पर भी खाते में आ गए हैं। ऐसे ही एक ये सुमन देवी बहन है संबल जिले से हैं, 4500 रुपया संबल जिले में भी उनके खातों में सक्सेस हो गए हैं। ये हैं संतोषी बहन शाहजहांपुर से और शाहजहांपुर में भी आज 4500 सक्सेस हो गए हैं। ये हैं संगीता तोमर आगरा से, आगरा में भी आज 4500 रुपया सक्सेस हो गया है। अब आप सब बहनें चाहें तो बैंक जाकर के निकाल सकती हैं। मंजू राजपूत है मथुरा से, मथुरा में भी आज 4500 आ गए हैं। और इसके अलावा ये अनीता सरोज हैं प्रयागराज से, प्रयागराज में भी आज 4500 आ गए हैं। ये हैं उषा लखीमपुर खीरी से, 4500 उनके वहां पर भी आज आ गए हैं। और ये एक बहन है सुषमा देवी मुरादाबाद से, 4500 इनके वहां पर भी आ गए हैं। उषा देवी हैं सिद्धार्थनगर से, सिद्धार्थनगर में भी 4500 आज सक्सेस हो गए हैं। ये हैं सीमा फातिमा पीलीभीत से, पीलीभीत में भी आ गए हैं। ये सीमा है एक अयोध्या से, अयोध्या में भी आज 4500 आ गए हैं। शोभा रानी है मेरठ से, मेरठ जिले में भी आज 4500 सक्सेस हो गए हैं। आशा मिश्रा है फतेहपुर से, फतेहपुर में भी आज 4500 सक्सेस हो गए हैं। और ये है माहेनाथ सिद्धार्थनगर से, 4500 और 1500 उन्होंने कहा है अंडर प्रोसेस में लगा है। दरअसल उन्होंने 12 बजे के पहले ये जानकारी भेजी थी, जब सुबह का वीडियो मैंने दिखा दिया था, बता दिया था उसके बाद में, तो उन्होंने अवगत कराया था कि उनके वहां पर भी पैसा इतना लगा है। तो लगा है इसमें से 4500, शायद आपका भी आज सक्सेस हो चुका होगा, आप अपना चेक कर लेना। राजेश्वरी जी हैं अलीगढ़ से, उन्होंने अपने वहां से बोला था कि 4500 1500 ये सब लगा है इस तरीके से, कल उसके पहले एक दिन 1000 भी लग गया था। उज्मा बहन बदायूं से, उन्होंने कहा है कि भैया जी यहाँ पर हम समायोजन के हमारे यहाँ 75,000 रुपये लिए जा रहे हैं, जो है कहाँ से दें इस तरीके से। तो बहन उज्मा बदायूं से आप हैं, और अगर आपके पास इस बारे में कोई सबूत है तो आप ऑल इंडिया को भेजें, जिसके माध्यम से फिर विभाग से जो है आवाज़ लगाई जाए और कहा जाए कि इस तरह की भ्रष्टाचारियों के लिए ही क्या समायोजन विभाग कर रहा है। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर आप या हम कुछ भी नहीं कर सकते।
आप समझ रहे ना हमारी बातों को, तो सबूत हर एक कदम पर जरूरी है। इसीलिए आप क्या करें, पहले इसके बारे में अवगत कराएं। आशा देवी हैं हरदोई से और उन्होंने कहा 3500, 1250 और 1000 इतना पैसा इनके खाते में प्रोसेस में लगा, जिनमें से देखिएगा आप मिनी वर्कर होंगी तो 3500 वाला शायद आपका सक्सेस हो गया होगा। सुभावती है सिद्धार्थनगर से 2000, 1500, 4500 इतना लगा था, 4500 आपका भी सक्सेस हो चुका होगा। मुसरत मुरादाबाद से उन्होंने कहा 5000, 1500, 2500 ऐसे उन्होंने लिख करके भेजा था। तो भाई इनमें वाकई में 5000 वाला एक ये लगा हुआ है, तो हो सकता है गलतीवश हो या PLI टाइप में हो, जो भी हो सकता है। रीता है प्रयागराज से 500, 1500, 1000, 4500 इतना इनके वहां प्रोसेसिंग में लगा था, जिनमें से 4500 बहन आज आप चेक कर लेना, शायद आपका भी सक्सेस हो चुका होगा। तो इसके अलावा आगे चलते हैं, ये सुषमा बहन पीलीभीत से, वहां पर भी आज पैसा लग गया था। मेरा देवी कासगंज से वहां पर भी 4500 लग गया था, 1520 और हिमलता मैनपुरी से 4500, 1500 सब उनके लग गए थे, 1000 भी लग गए थे। तो इनमें से 45 मेरे कहने का तात्पर्य सक्सेस हो गए। ये एक बहन है जिनका नाम है अनीता देवरिया से, इनके वहां पर भी पैसा लग गया था। अभी इनके अलावा देखिएगा, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि यह आर्टिकल तेजी से वायरल हो रहा होगा कि अब सहायिकाएं बन सकेंगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, यानी अब इनका क्या हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है और इसके लिए जो खाली पद है उसको भरने के लिए जो है एक पोर्टल भी सरकार ने बना लिया है, यूपी सरकार ने। अब उसी पोर्टल के जरिए जो रिक्तियां हैं वो सब वहां पर उसका ब्यौरा पदों का भरा जाएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, प्रमोशन भी होंगे। और उसके पहले क्या हो रहा है, समायोजन हो रहे हैं, तो अभी समायोजन होने हैं तो समायोजन हो जाएंगे, उसके बाद फिर प्रमोशन हो जाएगा सहायिकाओं का, फिर जब पद रह जाएंगे उन पर फिर उसके बाद में सीधी भर्तियां आंगनबाड़ी की देखने को मिलेंगी। तो अभी मोटा मोटा अगर आपको बताएं तो अभी कुछ टाइम लग सकता है जो आंगनबाड़ी भर्तियों का लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये आर्टिकल में कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि हमने सारे विभागीय आदेश जो विभाग से जारी होते हैं उनको ही समय समय पर आप सबके लिए लेकर के आए हैं और दिखाया है, समझाया भी है। तो आप सब भाई बहनों को कहना चाहेंगे कि आज की शाम की खबरों को हम यहीं तक रखते हैं। जैसे कि बहन है सरोज पाठक गोंडा से और एक ये बहन है सुधा सिद्धार्थनगर से, उमेश चंद्र मौर्य जी हैं जो है देवरिया से। और साथ ही साथ कहना चाहेंगे कि आप सब भी क्या करें कि अपने सुबह के वीडियो को कल देखना, आज के इस वीडियो को यहीं तक, कल भी हम बढ़िया सी खबरें लेकर के आप सबके लिए आए।